टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद हैं रशीद कंपाउंड के बरकत पार्क इकबाल कॉलोनी में। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है रास्ते का मामला सामने आया है और क्राउन डेवलपर्स जो बिल्डर हैं अफजल, वो जो है यहाँ पर बिल्डिंग का काम शुरू किए हैं। आपको बता दें कि ये इकबाल कॉलोनी से जो है रास्ता रशीद कंपाउंड मिलेनियम की तरफ जो जाने वाला रास्ता था, इस रास्ते को लेकर जो है स्थानीय लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। इन लोगों का कहना है कि यहाँ से इकबाल कॉलोनी से लोगों को यहां से सीधा जो है मिलेनियम की तरफ जाने का रास्ता था, लेकिन बिल्डिंग बनने का काम जब से शुरू हुआ पत्रे लगाकर जो है बिल्डर पर आरोप लग रहा है कि रास्ता जो है उन्होंने बंद कर दिया है। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। क्या कहेंगे आप लोगों का पहले यहाँ से आना जाना था इस रास्ते से और कितने साल से आप लोग आते जाते थे? ये कम से कम 40 साल हो गया, मुझे 40 साल हो गया ये रास्ता खुला था। ये रास्ते में कभी कुछ नहीं हुआ, आना जाना हुआ। बीच में ये रास्ता बंद किया था ये बिल्डर लोगों ने, बीच में बंद करके फिर म्यूनसिपैलिटी आकर ये रास्ता खोल दिया था। ये देखो अच्छा, ये कितने साल पहले की तस्वीर? ये कम से कम साल भर हो गया, ये बात दो साल होने को आ गया। अच्छा, एक बार और ये रास्ता बंद किया गया था, उसके बाद कार्रवाई हुई, खोला गया। होने के बाद में म्यूनसिपैलिटी आकर ये रास्ते सब तोड़ के, पत्रे तोड़ के हमारा रास्ता खोल दिया था। आज ये रास्ता बंद करके इन लोगों ने रखा है। आज यहाँ मैयत हो गई है, कोई बीमार है, कोई ज़्यादा सीरियस है, इसको हम ले कैसा जाएंगे? हाँ, एम्बुलेंस कहाँ से आएगा? अरे एक इंसान चलने की रास्ता नहीं है तो ये बताओ मुझे कि जाएगा कैसा, इंसान जिएगा कैसा? अगर रास्ता ही नहीं है तो जाएगा आना जाना रास्ता कहाँ से है, ये मुझे बताओ। लेकिन जो बिल्डर है, अभी हमने उनसे बात की, अफजल जो है, उनका कहना है कि हमारी जगह है, हम जो है उस पर लेटर दे चुके हैं, TMC को भी लेटर दिए हैं, हमारी जगह है, हम जो है रास्ता नहीं देंगे क्योंकि हमारी जगह है, हमारा काम वहाँ पर चालू है। रास्ता नहीं देंगे, कितना भी बड़ा बिल्डर हो उसको अपना 20 वो क्या उसका नाम 20 फुट, ऐसा कहना है कि कुछ लोग हैं जैसे यहाँ के जो समाज सेवक है रेहान पीतल वाला, हाँ। उन्होंने शायद कहा है कि रिक्वेस्ट किया है कि आप जगह दीजिए थोड़ा सा, तो उनका कहना है कि हम थोड़ा जगह देंगे जाने के लिए, लेकिन स्पष्ट रूप से वो नहीं कह रहे हैं सर। हाँ, तो मैं यही चाहती हूँ हमको आने जाने के लिए रास्ता दे दे, हम तुम्हारे से घर नहीं मांग रहे, हम तुम्हारे से रहने की जगह नहीं मांग रहे, हम सिर्फ रास्ता मांग रहे, क्योंकि रास्ता जो है हर बिल्डर को 20 फुट जगह छोड़ना पड़ती है, रास्ता हर बिल्डिंग बनी है, हर बिल्डिंग में रास्ता छोड़ा है, गली हो गई है जाने के लिए, भले उन लोगों ने गेट लगाया लेकिन जाने आने का रास्ता रखा है। इसने तो हमारा रास्ता बंद करके कम से कम 2 महीने हो गए, हम लोगों को इतना परेशान करके रखा है। ये बिल्डर है या ये कोई वो है, क्या बोलते हैं उसको, गुंडा है जो जिसने इस तरह से करके रखा है? यहाँ इंसान रहते हैं, कुत्ता बिल्ली को रास्ता मांगता है तो हम इंसान जाएंगे कैसे? आप लोग इसके लिए कहीं शिकायत किए मनपा वगैरह में, कहीं कुछ लेटर वगैरह दिए? हेलो, हाँ, हमने रेहान भाई से शिकायत की थी, राजू भाई से भी शिकायत की थी, तो रेहान भाई आए थे, वो कईम जो बिल्डर है उनसे बातचीत की, तो बिल्डर ने बोला ठीक है मैं जगह छोड़ दूंगा लेकिन मुझे 4-8 दिन का टाइम दो। तो ये 4-8 दिन का टाइम की जगह ज़्यादा हो गया और रेहान भाई के पास गए तो भाई पब्लिक लेके आओ, मैं देखता हूँ। पब्लिक को भी हम लोग वहाँ लेके गए रेहान भाई के ऑफिस में, मगर वहाँ पे कुछ मसला हल नहीं हुआ, बोले 2 दिन रुक जाओ बाद में करते, वो करते करते अभी तक हुआ ही नहीं कुछ काम। और पहले बीच में भी ऐसा 2 साल एक दो साल पहले किए थे, तो हम लोग ने म्यूनसिपाल्टी में कंप्लेंट दी, वो लोग ये पत्रा वत्रा लगा के गए थे, तो हम लोग ने ये पत्रे वत्रे म्यूनसिपाल्टी के आदमी आए और ये खोल के गए, तोड़ फोड़ के गए, लेकिन फिर ये हरकतें हो गई कि उन लोग ने ये बंद कर दिए दरवाजा। बोलने का मतलब क्या है, कुछ नहीं, खाली 3 फुट जगह दे दो कि एक आदमी के पीछे दूसरा आदमी निकल सके, उतना भी वो मानने को तैयार नहीं है। अब उसके लिए क्या करना, अगर वो खुद की बिल्डर की प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, मैंने अफजल और दूसरी बात अगर रास्ता नहीं देता है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो अभी मिलियनियम वाले की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मेन रोड से आने के लिए वो कैसा जगह छोड़ा? तुम्हारी जगह पूरी तरह नहीं मांग रहे, थोड़ा 3 फुट जगह दे दे कि हम आवे जावे। और अगर समझो अभी इस टाइम पे अगर कोई सीरियस हो जावे तो एम्बुलेंस कहाँ से आएगा? वो बोलता है रिक्वेस्ट कर दो, रिक्वेस्ट कितनी टाइम करने है? रेहान भाई जाके रिक्वेस्ट किया, इवन उससे इतनी बात किया, 8 दिन का टाइम लिया, फिर अभी और कितनी रिक्वेस्ट चाहिए? नगर सेवक आके रिक्वेस्ट करके गया उसको, फिर भी समझ आप में लोग नहीं कहीं लेटर वगैरह दिए मनपा में कोई शिकायत वगैरह? अभी लेटर वगैरह दिए हुए, उसका रिस्पॉन्स आया नहीं अभी तक, क्योंकि देखिए उसको 2-4 दिन हुआ है।
क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे, यही रास्ता खोलो। हाँ, बहुत तकलीफ होती है, पीछे से जाने हम लोग को बहुत भारी पड़ता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ लेके जाऊँ, यहाँ क्या रास्ता उसको खोलने बोलो। अच्छा, यहाँ पर देखा जा रहा पानी भी भरा हुआ है, तो कैसे ये गटर का पानी यहाँ पर कैसे आया? ये चिम्बर का पानी आता है इधर, थी ना इधर, उसने दीवार डाल दिया तो वो पानी सारा रुक गया इधर, रुक गया। हाँ, दीवार के वजह से। और दूसरा देखा तो रास्ता भी बंद कर दिया, तो ये गरीबों की हाई लगेंगी क्या नहीं लगेंगी इसको, बोलो ना। हाँ, दीवार लगा दिया तो गटर साफ करने की जगह नहीं, हर कोई देखो तो परेशान है। तो ये परेशानी इतना गरीबों की हाई लेके, और ये तरक्की करेगा? बोलो, करेगा क्या? नहीं करेगा वो। हाँ, ये महल खड़े कर रहा किसके लिए? तेरे लिए ना, लेकिन गरीबों की हाई कहाँ जाएंगी? आप बता रहे हैं गटर पे जो है, जो चेंबर जहाँ वहाँ पर दीवार खड़ी करी है। हाँ, वो लोग बोल रहे हैं दीवार खड़ी करी है, तो गटर साफ करने का रास्ता नहीं है, तो गटर कहाँ से साफ होगी? सब रुक गया। और दूसरा, इधर हमारी रहमत चाल पड़ती है, ये जब कचरा पड़ा हुआ है इतने टाइम से पड़ा हुआ है, हमारी खिड़की वहाँ पे पड़ती है, तो कचरा तो कम से कम होता हुआ, उसको अगर नीचे सहलाना है वो सहला दे, लेकिन ऐसा खड़ा बंगला क्यों बना के रखा है? हम लोग मच्छर काटेंगे, बीमारी होगी उसका कौन? हाँ, ये पड़ा है, देखो पहाड़ बना हुआ है। कुछ नहीं बोला किसी ने। अफजल भाई जो बिल्डर हैं, उनसे बात की, वो बोल रहे हैं कि कुछ सोसाइटी वालों का उनको कंप्लेन है, उनका कहना है कि पतरा लगा दो नहीं कोई हादसा हो जाएगा, तो इसलिए वो पतरा लगाए हैं। ये तो गलत बात है, इतने सालों से अभी हादसा कैसा होगा? वो डंपर आता था जाता था, तो अभी वो डंपर का काम हो गया, तो हम लोग भी समझते चलो डंपर का काम है, बच्चा आ गया वो बात अलग है, अभी डंपर का काम हो गया तो उसको पतरा खोल देना चाहिए ना, जैसा रेहान भाई ने रिक्वेस्ट किया, राजू भाई आके गए, वो भी रिक्वेस्ट करके गए, तो भी उसको समझ में नहीं आता, तो उसके लिए अभी करना क्या, आप बताओ। 3 दिन का टाइम मांगे थे। हाँ, 3 दिन का टाइम मांगे थे, 3 दिन के अंदर मैंने संडे तक का टाइम मांगे थे, संडे को हटा दिया जाएगा, मगर हटा नहीं, बीमार है, उनको दवा लाने के लिए कैसे जाएंगे, कैसे तकलीफ निकालेंगे? ये बिल्डिंग बनाने से पहले किसी की दुआ ले रहा है कि किसी की बदवा ले रहा है? देखो अंकल, यहाँ पे बहुत तकलीफ है, आप प्लीज बोल दीजिए उनको रास्ता खुलवाने के लिए, क्योंकि एक एक चीज के लिए इतना घूम घूम के जाना पड़ रहा है, इधर से लेके उधर तक, इतनी दूर दूर, इतना दूर दूर जा जा के सामान लेके आना पड़ रहा है हम लोग को, इसीलिए आप बोल दीजिए कि बस जल्दी से जल्दी रास्ता खुलवा दे, क्योंकि एक एक चीज के लिए जो भी चीज भूल रहे हैं हम लोग, इतनी दूर दूर जाना पड़ रहा है, यहाँ पे चार चार पाँच पाँच दिन पानी नहीं आता, यहाँ पे हफ्सा नल, यहाँ पे नजदीक है तो जाके डब्बे से पानी लेके आ जाते, अभी पानी नहीं आ रहा, हम लोग इतनी दूर से, हम लोग हैंडपंप से पानी कैसे लेने जा सकते हैं, पेन हो जाता है पैर में, इतनी दूर से एक एक चीज के लिए हम लोग को इतनी इतनी दूर जाना पड़ता है, इसीलिए आप बोलिए उनको कि रास्ता खुलवा दे प्लीज। तो आपने सुना कि जो स्थानीय लोग हैं उनमें काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है, कि जो क्राउन डेवलपर्स हैं, जो बिल्डर हैं अफजल, उनसे हमने बात की तो उनका कहना था कि यहाँ से जो है रास्ता उनकी प्रॉपर्टी है, इसलिए जो है वो रास्ता यहाँ से देने को राजी नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो जो है यहाँ से रिक्वेस्ट पर जो है रास्ता देने की भी बात भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये रास्ता जो है यहाँ पर कई सालों से जो है यहाँ के इकबाल कॉलोनी के लोग जो है इसी रास्ते से आते जाते थे, और यहाँ पर बिल्डिंग बनने का जो है काम, कंस्ट्रक्शन का काम जो है यहाँ पर शुरू किया गया है, जिसकी वजह से जो इमारतों का शौचालय का जो पानी था वो जाने का रास्ता भी अब नहीं बचा हुआ है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर रास्ते में जो है ये पानी भरा हुआ है, यहाँ से बच्चे और बुजुर्ग और भी लोगों का यहाँ से आना जाना होता है, कभी भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल भी है, अगर बाई चांस कभी भी कोई भी हादसा यहाँ पर हो सकता है। बहरहाल स्थानीय लोग जो है इस पर काफ़ी नाराजगी बता रहे हैं, हमने बिल्डर से भी बात की तो उनका कहना है कि हमारी प्रॉपर्टी है, हम यहाँ पर जो है मनपा से परमिशन लेकर यहाँ पर काम शुरू किए हैं। कैमरामैन जफर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।